ऑक्साइम्स क्या होते हैं और इनको सिन या एंटी नोमेनक्लेचर कैसे असाइन किया जाता है। नमस्ते, मेरा नाम दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ क्या पढ़ते हैं भाई? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइम्स। ठीक है, तो अब बताओ क्या होता है हमारे पास भाई? ऑक्साइम आपको पता है क्या होते हैं? बताओ बताओ बेटा। ऑक्साइम्स आर कंपाउंड दैट हैव ए कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। समझे बात? और ये ऑक्साइम भाई कैसे बनते हैं बताओ? आपने एसिटिलडिहाइड को रिएक्ट करवा दिया बताओ H2NHO के साथ, तो बताओ मेरे पास क्या बन गया? बोलो भाई, बताओ बेटा, बताओ बस क्या बताओ? ये हमारे पास बन गया। बताओ भाई ये जेड क्या है? एसिटिलडिहाइड ऑक्साइम। ठीक है, अरे बोलो भाई क्या जेड कैसे आया? अरे आपको बताया ना जेड हो रही है, हमारे पास नाम नहीं आया करते, ये वो नाम यहां भी लगा रखे, लेकिन यहां पर आपने इनका नाम अलग लगाना है। ठीक है, तो यहां पर आप इनकी आप ज्योमेट्री देखो, तो एक तो तुम्हारे पास ये एल्डोक्साइम, एक होते हैं कीटोक्साइम। ऑक्साइम दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं एल्डोक्साइम, एक होते हैं पास ये कीटोक्साइम। एल्डोक्साइम कौन से होंगे? जहां पर एन के साथ एक तो OH अटैच दो, समझे बात? और अगर मान ले भाई तो यहां पर तो यहां पर तो OH, अगर कार्बन साथ क्या ये एच है और एक एल्काइल ग्रुप है तो क्या ये एल्डोक्साइम, लेकिन यहां भी क्या हो एल्काइल ग्रुप, तो क्या होगा मेरे पास ये कीटोक्साइम। पता होगा ना आपको इसका? और यहां बताओ क्या होता है? अगर यहां पर आप एक बार यहां पर लेवर नहीं है, आप ज्योमेट्री देख ले, तो हमारे पास एग्जाम क्या हो बताओ? क्या सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहां बताओ क्या है? अरे नहीं, अरे नहीं नहीं सी एच थ्री, यहां कौन है एच, और यहां बेटा कौन हमारे पास डबल बॉन्ड एन ओ एच, हमारे पास ये है ना। तो यहां पर आप बताओ ये जो कार्बन है ये मेरे पास है sp2 hybridized, तो इस n ने बताओ क्या करना है? इस n ने बताओ एक तो इसने बॉन्ड बनाना है बताओ किससे? कार्बन से, और एक इसने बॉन्ड बनाना OH से। तो n का फॉर्मूला आप देखो, n का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2s2 2p3 होता है भाई यहां पर, क्या नहीं होता? तो इसने एक तो बनाना है सिंगल बॉन्ड कार्बन से, सिग्मा बॉन्ड, और एक पाई बॉन्ड, उसको दो हाफ फील्ड चाहिए, दो हाफ फील्ड चाहिए इसको, और एक हाफ फील्ड कहां चाहिए इसको इससे बॉन्ड बनाने में, isn't it? तो भाई, और ये sp2 hybridized होना है, तो एक काम करो इसको आप यहां पर प्रमोट कर दो, कहां पर भाई? नहीं इसको आप यहीं पर नहीं, यहीं रखो, और इसमें कर दो sp2 hybridization, क्या कर दो sp2 hybridization कर दो इसके अंदर, तो दो सिग्मा बॉन्ड के लिए इसके पास दो हाफ फील्ड चाहिए, दो हाफ फील्ड मेरे पास है, तो क्या हुआ जो ये क्या हुआ नाइट्रोजन, क्या हुआ जो ये नाइट्रोजन, तो मेरी तरफ तो क्या कर देगा बताओ? तो इस साइड तो क्या मान लो इस नाइट्रोजन ने हमारी तरफ तो इसने बताओ क्या कर दिया लोन पेयर, और उस साइड इसने क्या कर दिया दूसरी साइड तो एक हाफ फील्ड, उससे किसने बाइंड कर लिया OH ने, और इसने आपने एक हाफ फील्ड कहां पर ओरिएंट कर दिया यहां इस साइड। अरे भैया किससे बॉन्ड बना लिया? इस कार्बन ने अपना हाफ फील्ड दे रखा है, कार्बन ने अपना हाफ फील्ड दे रखा है इस साइड, इस एन ने अपना एक हाफ फील्ड साइड दे दिया, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड बन गया। अब कार्बन का ये क्या है हाफ फील्ड पीजेड, और इस एन का भी हाफ फील्ड क्या है पीजेड, एक बॉन्ड यहां बन गया। नहीं बेटा आपको, तो भाई हमारे पास यहां पर बॉन्डिंग होगी। ठीक, अब वो तो क्या है मेरे पास ये तो एक OH साइड एक OH साइड, तो डबल बॉन्ड बन गया, और एन के पास क्या गया मेरे पास, तो एन के अराउंड कैसा कोऑर्डिनेशन है, ट्राइगोनल कोऑर्डिनेशन है, लेकिन एक यहां पर क्या लोन पेयर एक OH और एक हमारे पास ये बॉन्ड बना हुआ है। आ गया आपको ये? बताओ तो बेटा इस तरह हमारे पास क्या गई, और यहां भी क्या है 90 डिग्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइड ओवरलैप नहीं हो पाएगा फिर भाई। आ गया आपको? तो अब मैं आपको बताऊं, आमतौर पे आपको पता है डबल बॉन्ड के अबाउट जो नॉमिनक्लेचर होता है वो होता है ZE, क्या होता है ZE होता है ना,
लेकिन यहां पर आपने बोला sin nt, तो sin और nt। तो पहले हम बात करते हैं एल्डोक्साइन में, किसकी? एल्डोक्साइन। एल्डोक्साइन क्या होगा? कार्बन और क्या है n आ गया मेरे पास ये। अब यहां बताओ कौन है मिथाइल और यहां कौन है H, और यहां बताओ कौन हमारे पास लोन पेयर और यहां कौन है OH। तो डिपेंड करता है HOH किस साइड है। तो अगर हमारे पास एल्डोक्साइन हो, क्या हो? एल्डोक्साइन। तो H और OH अगर सेम साइड हो ना भाई, तो आपने बोलना है सिन, और अगर H और OH डिफरेंट साइड हो तो क्या बोलना है? एंटी। तो ये इसमें H और OH सेम साइड है कि अपोजिट साइड, बताओ? सेम साइड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम सिन बोलेंगे। आ गया आपको बेटा? अरे बोलो, सेम साइड। बेटा यहां पर देखियो, अगर मैंने इसको फ्लिप, अगर मैंने उल्टा, क्या हो? एंटी हो गया। आ गया कीटोक्साइन में भाई दिक्कत, क्योंकि कीटोक्साइन में एच नहीं होता, कीटोक्साइन में एच नहीं होता, बताओ ना क्वेश्चन का, कीटोक्साइन में एन नहीं होता, सॉरी। तो सी एच थ्री, और यहां बताओ क्या मान लिया मेरे पास, बताओ यहां पर मेरे पास क्या है? सी एच टू सी एच थ्री, सी एच टू सी एच थ्री। अब बताओ यहां पर क्या किया जाएगा? मैं यहां पर वो ये है, ये तो मेरे पास क्या हो गया? कीटोक्साइन। क्यों हो गया बोलो भाई? तो अब क्या देखो, हमारे पास क्या नहीं है? एच रोज तो है नहीं भाई, हम उनको देख, हम देख नहीं सकते। तो यहां पर अब तो क्या कहते सी एच टू, ठीक है, अरे तो OH है, यहां पर तो OH रखना था आपने, OH, ठीक है। यहां पर क्या करो? C2H5, ये क्या? C2 इथाइल ग्रुप, ठीक है। तो यहां मैं बताओ मेरे पास कौन है? यहां मान लिया हमने क्या लगा दिया, तो भाई अब आपने इथाइल लगा दिया, इथाइल मिथाइल और इथाइल, क्या ये कीटोक्साइन? क्या मेरे पास ये कीटोक्साइन? अब भाई कैसे लेबल लगाते हैं? अब एक काम करते हैं, अब आप अभी भी इनको, इनको भी आप सिन एंटी बोल सकते हो। यहां पर आपने नहीं, फिर जो प्रायोरिटी असाइनमेंट आपने वो लगाना है, इस साइड आप लगाओ एक और दो प्रायोरिटी। भाई कई जगह बोल देते हैं कि लोन पेयर को एक प्रायोरिटी, समझे बात? लेकिन और लेकिन ये, लेकिन भाई ये ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है भाई, कभी लोन पेयर को हाई प्रायोरिटी मिल जाती है, किसी कई कई बुक्स में मेंशन होता है। लेकिन भाई आजकल जो मोस्ट पॉपुलर जो ट्रेंड है वो ये है, क्योंकि देखो भाई कई टेक्स्ट बुक्स के अंदर लोन पेयर को प्रायोरिटी बंदी होती है, समझो, कईयों में OH की प्रायोरिटी। लेकिन भाई अब, लेकिन इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहा करता, तो अब इसको प्रायोरिटी मिलती है शायद, तो OH कब कह दो? एक प्रायोरिटी कह दो इसको, एक प्रायोरिटी, और लोन पेयर को दो प्रायोरिटी, तो एक और दो प्रायोरिटी होगी। अब बताओ इनमें से मिथाइल सेल में एक प्रायोरिटी उसको मिलेगी, एक इसको। अब एक प्रायोरिटी वाले क्या मेरे पास? सेम साइड है, तो इनको बताऊ क्या बोलूंगा आप? सिन। क्या बोलेंगे इसको? सिन बोलेंगे, नहीं आपको? अरे बोलो भाई। और अगर मान लिया भाई मेरे पास यहां पर क्या होता? C2H5 और यहां CH3 होता, तो एक प्रायोरिटी वाला ऊपर है, एक प्रायोरिटी, दो प्रायोरिटी वाला नीचे, तो ये क्या हो गया? एंटी हो गया, समझे बात? और मेरे भाई एन पे क्या कर दो? OH को एक प्रायोरिटी दे दो, और दूसरी साइड देखो भाई, यहां पर पहले प्रायोरिटी दो, किसको दोगे आप? अगर आपको अगर सेम प्रायोरिटी वाले क्या हो? सेम साइड, तो सिन है, अपोजिट तो एंटी है। और भाई इनको आप ZE की फॉर्म में भी लिख सकते हो, कैसे? देखो सिस ट्रांस आया करता, ZE आया करता, क्यों नहीं आया करता? तो यहां पर देखो सिन एंटी क्या हो जाएगा? एंटी मतलब एंटी ट्रांस एंटी ई सब एक होगा, समझे बात? तो सिस जेड सिन, तो सिस ट्रांस जेड सिन एंटी, समझे बात? तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? अपोजिट साइड ना, इसको मैं ट्रांस ही बोल सकता हूं, एंटी भी और इसको ई भी बोल सकते हैं। आगे आपको ये बताओ, नहीं बेटा आपको ये? अरे बोलो भाई, पक्का? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।